नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी स्कॉलरशिप योजना लेकर आया हूँ। जो स्टूडेंट फॉरेन कंट्री में जाकर एक तरीके से अपनी ग्रेजुएशन है वो करने की सोच रहे हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर स्कॉलरशिप है छात्रवृत्ति का, एक तरीके से यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा योगदान दिया जाता है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इस स्कॉलरशिप का नाम है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। वैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। पूरी जानकारी मिलेगी कि जो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है वो क्या होती है, इसमें किस तरीके से आपको फायदा मिलता है, इसका फॉर्म कैसे भर सकते हो, कौन सी वेबसाइट से भर पाओगे, फीस क्या रहती है, एलिजिबिलिटी है वो क्या रहती है, उसी के बाद में यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, उनके लिए प्रोविजनल लिस्ट है, किस तरीके से क्या कुछ रहती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, वैसे आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि ये स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना है, इसका पहले जो नाम था वो आपका था, मतलब कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना था, जो कि 2023 में था, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हो। उसके बाद में जो भजन लाल सरकार उनके द्वारा एक तरीके से इसका नेम बदलकर यहाँ पर एक तरीके से स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना है वो रख दिया गया है, ठीक है। उसी के बाद में इसके लिए जो फोरम है आप SSOID के माध्यम से भर सकते हो, और जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आप सभी छात्रों को मैं क्लियर कराऊंगा। देखो, इसमें इंडिया की जितनी भी जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनमें एक तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो, वो लिस्ट भी आपको मैं क्लियर करूंगा, जैसे 2023 में लिस्ट थी वो भी मैं क्लियर करूंगा। साथ ही में आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि यहाँ पर एक तरीके से 30% जो छात्राओं को एक तरीके से रिजर्वेशन मिलता है, उसी के साथ में जैसे कि पहले इसमें जो सीटें थी वो 500 के तकरीबन थी, यानी कि 500 स्टूडेंट राजस्थान के वो फॉरेन कंट्री में, कौन सी भी कंट्री हो सकती है, USA हो सकता है, अफ्रीका हो सकती है, कोई सी भी कंट्री में जाकर वो अपनी ग्रेजुएशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। उनका पैसा किसी भी प्रकार से नहीं लगता है, लेकिन वो सीटों की संख्या बढ़ाकर अब राजस्थान सरकार के द्वारा ये 300 कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ और आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर करते हुए चलता हूँ, ठीक है। जितने भी आपके डाउट है इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, देखो आपको पता है कि जैसे मैंने वेबसाइट दिखाया, मतलब इस साइट दिखाया, राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग एक तरीके से इसका नोडल विभाग है, और जो इसका जो फोरम है, फोरम बनने के लिए आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो, जैसे कि ये देख सकते हो हायर टेक्निकल एंड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, इसके ऊपर आ सकते हो। बाकी यहाँ से आप जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, ठीक है, ये मैं आपको फट में बता रहा हूँ, बाकी आपको बताऊंगा SSOID के माध्यम से यहाँ पर जो ये फोरम है वो भर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन, अबे इसमें आप क्लियरली देख सकते हो, देखो जितने भी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा, और वैसे इसकी जो डेट है वो स्थगित कर दी गई है, अप्रैल में इसके लिए जो फोरम है अप्रैल मई में स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि एक बार आपको जो फोरम से रिलेटेड अपडेट है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट जो PDF है इसके ऊपर आना, अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर चरण फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मूल्यांकन की तिथि में अभिवृद्धि की जाती है, प्रत्येक चरण के मूल्यांकन की नवीन तिथियां यहाँ पर जारी कर दी गई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर चरण वाइज एक तरीके से रहेगा, उसमें आपकी जो आय है मैक्सिमम आय है वो कितनी रहनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। यहाँ पर डेट वगैरह दी गई है जो कि 2025 तक जनवरी तक भी चलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन नोटिफिकेशन है इसके ऊपर अपन यहाँ से चलते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप सभी छात्रों को जितने भी जो डाउट है वो यहाँ से मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर दूंगा। अब इसमें क्लियरली देख सकते हो कि इसमें 300 विद्यार्थियों एवं देश के संस्थानों में अध्ययन के लिए 200 विद्यार्थियों को अनुमत किया गया है, ठीक है। वैसे 500 पहली संख्या थी, उसमें से 300 में से यहाँ पर 200 ही अब संख्या है वो कर दी गई है। अब यहाँ पर जो एक तरीके से एलिजिबिलिटी है, एक तरीके से योग्यता है, वो आपकी क्या रहनी चाहिए, देखो इसका नेम आपको पता है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है। साथ ही में आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा ये दिशा निर्देश ऐसे सभी विद्यार्थियों पर लागू होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी है, देखो आप राजस्थान के मूल निवासी होना आपका नेसेसरी है। उसके बाद में इन दिशा निर्देश के प्रभावी होने से पूर्व की अवधि पर RGS योजना द्वारा चयनित विद्यार्थियों पर पूर्व की गाइडलाइंस ही प्रभावी रहेगी, परंतु इस दिशा निर्देश के जारी होने की दिनांक से उक्त विद्यार्थियों पर भी छात्रवृत्ति और छात्रवृत्ति की निरंतरता, ठीक है, शेष कोर्स अवधि के लिए ये दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य क्या है,
अब देखो इसमें काफी इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप सभी मतलब कि काफी अच्छी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक, ठीक है, जैसे यूजी कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या पोस्ट डॉक्टरल कर रहे हैं या अनुसंधान कार्यक्रम कर रहे हैं, तो विदेश में जो नवीनतम का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर QS लिखा हुआ है, QS का एक तरीके से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, ठीक है, अनुसार सूचीबद्ध किए गए 1 से 150 विश्वविद्यालय संस्थानों में समस्त जो विषय पाठ्यक्रमों में जो देश के 1 से 50 तक रैंकिंग ओवरऑल NIRF रैंकिंग रहती है। देखो NIRF का मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क आपका रहता है, ठीक है। संस्थानों में जो उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए जो स्टूडेंट रहते हैं, जिसके मैंने आपको क्लियर किया था कि आप फॉरेन कंट्री में जाकर एक तरीके से एडमिशन ले सकते हो, वहां से आप अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको इस श्रेणी में एक तरीके से आपको विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब जैसे श्रेणी फर्स्ट है, अगर इसके लिए आप एलिजिबल हो तो आपकी जो परिवार की वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप श्रेणी सेकंड से बिलोंग करते हो यानी विद्यार्थी हो, उसके परिवार की जो ग्रोस आय है, ठीक है, वो आपकी 8 लाख से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में श्रेणी थर्ड की बात करें तो यहाँ पर 25 लाख रुपए से अधिक आपकी एक तरीके से वार्षिक आय होनी चाहिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया है। 1 अप्रैल को तत् समय उपलब्ध नवीनतम, ठीक है, वैश्विक रैंकिंग यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका फोरम है वो स्टार्ट हो गया था, फोरम का मैंने क्लियर कर दिया है कि कहाँ से आप भर सकते हो। यहाँ पर जैसे 500 सीटें थी, 500 की जगह 300 विद्यार्थियों का चयन विदेशी संस्थानों में तथा 200 विद्यार्थियों का चयन देश के संस्थानों के लिए होगा, ठीक है। यानी कि मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि मैंने वहां पर 300 की जगह 200 बोला था, 500 संख्या थी जिसको घटाकर वैसे 300 कर दिया गया है। अब ये जो 300 है, ठीक है, 300 तो जो विदेशी संस्थान है, जैसे कि वहां पर मैंने 200 गलत बोल दिया, 100 कम बोल दिया, 300 ही जो स्टूडेंट है एक तरीके से सिलेक्ट किए जाएंगे यहाँ पर राजस्थान से, और वो एक तरीके से फॉरेन कंट्री में जाकर अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी उनको ग्रेजुएशन करना है, यानी उनको मेडिकल फील्ड में जाना है या उनको एक तरीके से और किसी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो वो कर सकते हैं। 200 विद्यार्थियों को चयन यहाँ के जितने भी मतलब कि इंडिया के जो संस्थान है उनमें किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, साथ ही में 1 से 50 तक हो तथा इन 200 छात्रों की संख्या भी चिकित्सा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, चयनित विद्यार्थियों की कुल अधिकतम संख्या 100 होगी, ठीक है, ये आप खुद से देख लेना, बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। अब ये श्रेणी आपको मैंने क्लियर कर रखा है, कौन सी श्रेणी में आपकी कितनी एक तरीके से वार्षिक आय है वो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद में नीचे देख सकते हो कि 30% जो अवार्ड है सीटें केवल श्रेणी फर्स्ट और सेकंड श्रेणी की छात्राओं के लिए चिन्हित है, यानी कि 30% यहाँ पर एक तरीके से आपको रिजर्वेशन मिलेगा जितने भी गर्ल्स है। उसी के बाद में जो श्रेणी फर्स्ट है सेकंड है, ये छात्राओं के लिए 30% अवार्ड शुरू के चरणों में नहीं भरे जाने की स्थिति में अंतिम चरण तक यह सीटें रिक्त रखी जाएगी। अगर सीटें नहीं भरती है गर्ल्स के लिए तो सीटें खाली ही आपकी रहेगी, ठीक है। बाकी ये कोर्स देख सकते हो, बीई हो गया, बीटेक हो गया, बीआर्ट्स हो गया, एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर, मेडिकल, डेंटिस्ट्री, ठीक है, कोर्स तो आपको छात्रवृत्ति यहाँ पर नियम तरीके से आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि जैसे 1 से 150 QS यानी वैश्विक रैंकिंग है, ठीक है, मतलब कि इंटरनेशनल रैंकिंग है, ये विश्वविद्यालय के संस्थान के अनुमत होंगे। साथ ही में 25 रैंकिंग होना आवश्यक है, ठीक है, जो कि रैंकिंग के बारे में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी यहाँ पर मैं बात करूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी अवधि कितनी होनी चाहिए, यानी कि आप जैसे कोर्स कर रहे हो, जैसे पीएचडी कर रहे हो, तो पीएचडी के लिए जो छात्रवृत्ति की अवधि है वो कितनी होनी चाहिए। अब ये आपकी 3 साल पीएचडी के लिए, 3 साल पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान के लिए, 1.5 साल, ठीक है, मतलब कि 1 साल 6 महीने, और स्नातकोत्तर यानी पीजी के लिए 2 साल और स्नातक के लिए 4 साल। अब अगर इसके बाद में जैसे कोई स्टूडेंट है जैसे 4 साल तक एक तरीके से यूजी है वो अपनी कंप्लीट कर लिया, जैसे बीए बीएससी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में अगर उसको आगे भी पढ़ाई करनी है तो आपको किसी भी तरीके की यहाँ से एक तरीके से सहायता राशि है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आप सभी छात्र ध्यान रखना, उसके बाद में आप खुद के पैसों से ही पढ़ पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो जितने भी पॉइंट है वो मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
ऑनलाइन पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आप देख सकते हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो, जो कि मैंने आपको क्लियर भी कर दिया, वो वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी है, संख्या मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट है कि 2024-25 से यह मूल्यांकन चार बार तत्समय प्रचलित गाइडलाइंस के अनुसार क्रमशः 1 मई से 15 जून और 15 नवंबर से, ठीक है, 15 जून और 15 नवंबर तक और 15 जनवरी को किया जाएगा। 16 जनवरी से 31 मार्च तक पोर्टल बंद रहेगा, ठीक है, जो कि मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। और बाकी ये सीटें रहती है, सीटों का आप क्लियरली देख सकते हो, ये श्रेणी है, श्रेणियों का आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप खुद से पढ़ लेना, इनमें भी काफी इंपोर्टेंट अपडेट आप सभी छात्रों के लिए है। अब देखो यहाँ पर पात्रता मापदंड है, यानी कि एक तरीके से एलिजिबिलिटी है, वो आपकी क्या क्या होनी चाहिए। आप राजस्थान के मूल निवासी होनी चाहिए, आयु आपकी है वो 1 जुलाई, ठीक है, कब 1 जुलाई को आपकी 35 वर्ष से आपकी जो आयु है वो कम होनी चाहिए। अगर इससे अतिरिक्त है तो आप एक तरीके से एलिजिबल नहीं हो, जैसे कि बाकी जैसे यूजीपीजी के लिए तो फिर भी हो जाओगे, पीएचडी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। रैंकिंग का आपको यहाँ पर क्लियर कर रखा है। साथ ही में छात्रवृत्ति हेतु अंतरिम चयन, यानी जो प्रोविजनल जो सिलेक्शन रहेगा वो दिनांक से 2 माह की अवधि में सभी प्रोविजनली चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से अनकंडीशनल ऑफर प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तथापि किसी भी प्रकार की वित्तीय शर्त जैसे कि ऑफर पत्र में सम्मिलित किया गया, जैसे कि फीस जमा कराना या अन्य कोई राशि या प्रूफ ऑफ सोर्स फंड आदि से अभ्यर्थी की पात्रता प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि यहाँ पर आप सभी छात्रों को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है, बाकी तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान ही पा रहे होंगे, ठीक है, और आप इस वीडियो में देख भी सकते हो। नेक्स्ट आपको क्लियर करना चाहूंगा कि देखो द्वितीय और तृतीय से लेकर अंतिम वर्ष सेमेस्टर में अध्ययनरत जो विद्यार्थी है, इस योजना में आवेदन हेतु विद्यार्थियों को भी पात्र माना जाएगा जिन्होंने उपरोक्त विश्वविद्यालय संस्थानों में सभी सत्रों में प्रवेश पाकर वर्तमान में कोर्स पूर्ण करने के परियोजन में अध्ययन जारी रखा, अर्थात छात्रवृत्ति हेतु द्वितीय तृतीय से लेकर अंतिम वर्ष सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्रवृत्ति लेते रहे, ठीक है। मैंने आपको वो चीज क्लियर कर दी, बाकी आप उससे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ से आपको नीचे चलना है, नीचे चलने के बाद में यहाँ पर मेरिट निर्धारण है वो किस तरीके से आपको किया जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो कि योग्यता के अंतर्गत मेरिट का निर्धारण किस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है, जो स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ ही में जो QS रैंकिंग है NIRF है वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। मेरिट समान होने की स्थिति में पोस्ट डॉक्यूमेंट्स है, पीएचडी है, पीजी है, यूजी कोर्स के क्रम में वरीयता दी जाएगी, यानी कि अगर आप जो दो स्टूडेंट है और दोनों का एक तरीके से मेरिट है वो समान है तो एक तरीके से उनका पीजी के हिसाब से देखा जाएगा, यूजी के हिसाब से देखा जाएगा, पीएचडी के हिसाब से देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखा जाएगा, जिन्होंने एक तरीके से ज्यादा क्वालिफिकेशन कर रखी है उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तिथि के आधार पर उम्र में अधिक अभ्यर्थी को मेरिट निर्धारण में वरीयता दी जाएगी और जिसकी उम्र ज्यादा है तो उसको ज्यादा वरीयता यानी एक तरीके से प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही में आप ये देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर कर रखा है यहाँ पर, अध्यक्ष देख सकते हो, आयुक्त कॉलेज शिक्षा सदस्य, ठीक है, ये क्लियर हो गया। मूल दस्तावेज का सत्यापन आपका होगा, यानी कि आवश्यकता होने पर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा सकेगा, कोर्स को स्थगित कराया जाएगा, ठीक है। यानी कि छात्रवृत्ति चयन पत्र जारी किए जाने की दिनांक से 1 वर्ष तक अपने कोर्स को जिसके लिए विद्यार्थी का चयन किया गया है को स्थगित किए जाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी, यानी कि अगर आपको कोर्स को स्थगित करना है तो आप स्थगित है वो भी कर सकते हो, यानी ट्रांसफर भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये अपडेट था जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। बाकी ये देख सकते हो कि परिवार की परिभाषा व आय का निर्धारण किस तरीके से आपका होगा, माता पिता का तलाक होने की स्थिति में, यानी कि अभ्यर्थी जिसके साथ रह रहा हो उस माता पिता की अभ्यर्थी की आय होनी चाहिए, अगर आपके माता पिता दोनों जीवित नहीं है तो होने की स्थिति में केवल अभ्यर्थी की आय होनी चाहिए, अगर माता पिता दोनों में से किसी एक के जीवित होने की स्थिति में जीवित माता पिता का आय होना चाहिए, अगर माता पिता दोनों ही जीवित होने की स्थिति हो तो माता पिता का एक तरीके से आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हो कि परिवार के उक्त सदस्यों द्वारा ITR नहीं भरे जाने की स्थिति में 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको आशय प्रस्तुत करना होगा, ये आप क्लियरली देख सकते हो। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, जो कि आप देख लेना, ठीक है। छात्रवृत्ति अवार्ड हेतु एक परिवार के अधिकतम लाभार्थियों की संख्या जो कि 2 श्रेणी में हो सकता है, श्रेणी फर्स्ट श्रेणी सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, बाकी जैसे छात्रवृत्ति हेतु निम्नांकित प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, एक तरीके से मतलब कि एक तरीके से आपको ट्यूशन फीस है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी कोर्स अवधि के दौरान, ठीक है, प्रति वर्ष अधिकतम, ठीक है,
वार्षिक रखरखाव भत्ता मिलेगा आपको, वार्षिक आकस्मिक व उपकरण भत्ता मिलेगा, चिकित्सा बीमा प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, वीजा शुल्क है, विदेश जाने एवं भारत आने का इकोनॉमिक क्लास का विमान किराया, ये लैपटॉप आदि सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, मतलब कि सब कुछ इसी में आपका इंक्लूड रहेगा। 50 लाख रुपए यहाँ पर आपको दिए जाएंगे जब आपके सब कुछ डॉक्यूमेंट एक तरीके से कम्प्लीट रहेंगे, जिसमें लिविंग एक्सपेंसेज हेतु प्रत्येक माह 75,000 रुपए मिलेंगे और विदेश में अध्ययन हेतु एक बार की खर्चा हेतु 1 बार 3 लाख रुपए आपको अग्रिम भुगतान केवल प्रथम वर्ष के लिए आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका सब कुछ रहने वाला है। लिविंग एक्सपेंसेज हेतु प्रत्येक माह आपको 1 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी योजनागत आगामी कोर्स अवधि के दौरान लिविंग एक्सपेंसेज हेतु प्रत्येक 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। ये आप क्लियरली देख सकते हो, 50 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी ट्यूशन फीस है, लिविंग एक्सपेंसेज है, ये आप उससे पढ़ लेना। आपको टेलीग्राम पर जो ये पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएगा, ट्यूशन फीस है, ठीक है। एक बार उससे ये देख लेना, जिससे कि आपको और भी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पुरस्कार राशि है वो यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें कि $2,000 आपको प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। घोषणा पत्र आपका लगने वाला है। बाकी देखो और भी चीजें हैं, काफी इंपोर्टेंट चीजें हैं जो कि आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, किस तरीके से आप को एक तरीके से जब आप सिलेक्शन हो जाते हो तो आपके लिए लिस्ट किस तरीके से प्रोविजनल लिस्ट है वो किस तरीके से आपकी जारी की जाती है। अभी देखो इतना बड़ा पीडीएफ है, आप उससे पढ़ लेना, अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया जाएगा प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, यानी जो शिकायतों का निराकरण होगा उस तरीके से होगा, ठीक है। और बाकी ये देख सकते हो, आपको इस तरीके से एक तरीके से क्वालिफाई करना होगा। अब जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसको जैसे ये यूनिवर्सिटी रहेगी, कितनी यूनिवर्सिटी रहने वाली है, ये प्लेस रहेगा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, कंट्री ये रहने वाली है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हो गई जो कि कैम्ब्रिज में है, यानी यूनाइटेड किंगडम में है, यानी कि यूके में है, ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, यानी कि यूएस में है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इनमें आपको एडमिशन मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कितनी यूनिवर्सिटी आपके रहने वाली है, यानी टोटल आपकी 28 यूनिवर्सिटी रहेगी, साथ में कहाँ कहाँ पर है, जैसे पेरिस में, फ्रांस हो गया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट हो गया, जापान हो गया, हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, यूनाइटेड यूके यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यूके हो गया, चाइना हो गया, चाइना, ठीक है, सिंगापुर। ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है जो की टॉप 150 यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी लिस्ट यहाँ पर एक तरीके से दी जाएगी। वैसे तो यहाँ पर लिस्ट 28 की दी गई है, बाकी आपको 150 की आपको मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, नीचे 150 यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।